हमारे पिताजी को बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को बहुत मानते थे, और बी आर अम्बेडकर साहब का ये कहना था कि एजुकेशन ही सारी समस्याओं का इलाज एजुकेशन इज पावर। तो इसीलिए उन्होंने मुझे एजुकेट करने के लिए कमर कसी। तो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में 20 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमेशा किसी न किसी पीडियाट्रिक सर्जन की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए पीडियाट्रिक सर्जन बहुत ही अहम रोल रखता है। अगर समाज को स्वस्थ बनाना है, भारत को स्वस्थ बनाना है, हिंदी लिटरेचर में जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ वो वास्तविकता के बिल्कुल नज़दीक होती है, वो पढ़ने का मुझे ग्रामीण क्षेत्र से, और रिलीजन में जो बी आर अम्बेडकर की लिखी हुई किताबें हैं बुद्ध हिंद धर्म, ये मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा है, और जो सोशल रिवोल्यूशन की किताबें हैं वो इतनी किताबों का ढेर है घर में, अलग कमरा है किताबों का। तो खाली टाइम पे मैं कुछ ऐसे ही लिटरेचर अपना समय इस तरह के लिटरेचर पढ़ने में गुजारता हूँ। रूह को चमका, खुदी को तोड़ कर जीने में, जीने यानी स्टेयर्स, रूह को चमका, खुदी को तोड़ कर जीने बना, ये दो ही तदबीरें हैं दुनिया में भरने की। क्या बात, बहुत खूब। मुझे जो नेशनल अवार्ड पद्मश्री वो इसलिए मिला क्योंकि हमने एक ऐसी बीमारी का नया ऑपरेशन खोज के हल निकाला जो पहले आम तौर पे सारी दुनिया में लाइलाज मानी। ना कभी थके हैं पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है परिवर्तन का, इसलिए सफर जारी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिल्ली से होते हुए हम आ पहुंचे हैं नवाबों के शहर लखनऊ, और लखनऊ में हम आ पहुंचे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में, एक ऐसे पद्मश्री से आपकी मुलाकात करवाने जो न केवल विशेष शख्सियत हैं बल्कि तहजीबों के शहर में उनका विशेष नाम भी है और विशेष सम्मान भी है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एस एन कुरील साहब से, जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड हैं। इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारी उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल की हैं, शायद मैं उनको गिनाने बैठूं तो वो कम पड़ जाए। उपलब्धियां इतनी कि सागर में बूंद न समा पाए तो मैं कहूं क्या। इनके लिए दो अल्फाज पेश करती हूं और कार्यक्रम की शुरुआत करती हूं कि वो कहते हैं कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। डॉक्टर साहब लगातार अपनी सेवाएं, उत्कृष्ट भावना और लोगों की सेवा के साथ सेवा क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम तय कर रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, पद्मश्री इनको मिल चुका है, और न केवल पद्मश्री बल्कि बहुत सारे ऐसे अवार्ड सम्मान इनके खाते में जुड़े हुए हैं जिनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। विज्ञान रत्न सम्मान उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा सम्मान है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज अपने आप में बहुत बड़ा सम्माननीय प्रांगण है जहाँ ये अपनी सेवाएं लगातार कई वर्षों से दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत सेवा भाव के साथ आम जन से जुड़े हुए हैं, तो आइए आज इस मुलाकात में इस खास पद्मश्री से आपकी मुलाकात करवाते हैं, इनकी उपलब्धियों को आप तक पहुँचाते हैं और इनके कुछ ऐसे छुपे रहस्यों को आपसे रूबरू करवाते हैं जो शायद आप तक नहीं पहुँच पाए हो। तो स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। तो इससे पहले कि हम अपनी बातचीत शुरू करें, पद्मश्री सम्मान प्रत्येक वर्ष ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो समाज में विशेष उपलब्धियाँ और विशेष कार्य करते हों, और बहुत बहुत अभिनंदन कि सरकार ने आपको ये सम्मान दिया है आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत में जानना चाहेंगे और दर्शकों तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएँ, शुरुआत कैसे हुई, पढ़ाई कहाँ से हुई। मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ और मेरी जो पहले की एजुकेशन है वो BSNV इंटर कॉलेज चारबाग के पास है, वहाँ से मैंने क्लास 12 तक की पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने तय किया कि मुझे अगर मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा तो मैं डॉक्टर, और उस समय PMT का इम्तिहान हुआ करता था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया और यहीं लखनऊ के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने यहाँ लखनऊ में 74 अगस्त 74 में MBBS कोर्स ज्वाइन किया और December 78 में पास कर लिया। फिर उसके बाद यहीं पर हमारा मास्टर सर्जरी कोर्स में एडमिशन हुआ और यहाँ से December 83 में मैंने मास्टर सर्जरी का डिग्री हासिल करके फिर मैं दिल्ली चला गया। सदर्न हॉस्पिटल में एक साल 1984 में मैंने प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग ली,
85 में मैं रजिस्ट्रार था जनरल सर्जरी में, और उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे उस वक्त अपॉर्चुनिटी मिल रही थी दिल्ली में ही लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में रह के या और इंस्टीट्यूट में भी, बट मुझे वहाँ नहीं रहना था, मुझे वापस लखनऊ आना था। क्या बात। तो और उस समय पीडियाट्रिक सर्जरी की फील्ड में एक दो एक्सपर्ट के अलावा कोई तीसरा था, तो सामने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज था जी, वहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया एंट्रेंस का और उसमें क्वालिफाई कर दिया। तो 86, 87, 88 तीन साल वहाँ रहने के बाद मैंने MCH पीडियाट्रिक सर्जरी की डिग्री हासिल की, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में। तो 1990 मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। क्या बात। मैं बताती चलूँ, पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह कोविड के दौर में खासतौर से डॉक्टरों ने, जिन्हें हम मसीहा कहते हैं, उन्होंने अपनी सेवा भाव से, अपनी लगन से और अपनी कर्तव्य निष्ठा से लोगों की पूरे प्राणपण से सेवा की, न केवल सेवा की बल्कि अनेकों जान बचाने में अपनी मदद की, संपूर्ण सहयोग दिया। ऐसे डॉक्टरों को, ऐसे चिकित्सकों को समूचा देश सराह रहा है, शत शत नमन कर रहा है। उनकी प्रशंसा में एक शब्द भी कहा जाए तो वो बहुत कम होगा, या बहुत ज़्यादा कहा जाए तो भी कम होगा। हम सुदूर दिल्ली से यहाँ चलकर आए हैं ताकि हम इनसे बातचीत कर सकें और इनकी उपलब्धियों को आप तक पहुँचा सकें। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, चूँकि हमारे दर्शक जानना चाहते थे, तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब खुद बताएं, हालांकि इसमें लिखी है बट आप स्वयं बताएं कि आप। देखिए, हमारी माँ जो है गाँव से आती थी और वो कभी स्कूल नहीं गई थी, निरक्षर थी, और हमारे पिताजी को भी कभी विद्यालय जाने का अवसर प्राप्त नहीं, लेकिन बुद्धिमान बहुत थे। और उस समय एक चीफ इंजीनियर थे जल निगम में, उनके यहाँ वो संविदा कर्मी क्लास 4 की तरह वो काम करते थे। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में, प्लस हमारे पिताजी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को बहुत मानते थे, और B.R. अम्बेडकर साहब का ये कहना था कि एजुकेशन ही सारी समस्याओं का इलाज एजुकेशन इज पावर। तो इसीलिए उन्होंने मुझे एजुकेट करने के लिए कमर कसी, और ये उन्हीं की प्रेरणा और उसका नतीजा है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया। बहुत अच्छी बात है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से एक निरक्षर माता पिता ने, खासतौर से माँ की चर्चा ये कर रहे हैं, उन्होंने निरक्षर होते हुए भी इन्हें साक्षर बनाया, और तमाम संघर्षों से, झंझावातों से झेलते हुए भी इनके पिता ने इनको एक सेवा भाव से जुड़ा हुआ डॉक्टर बनाया। मुझे लगता है सलाम है ऐसे पिता को, ऐसी माँ को, जिन्होंने तमाम संघर्ष और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इन्हें आगे बढ़ाया और वो जज्बा कायम रखा कि झुकना नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करने वाले, उनको अनुकरण करने वाले, उन पिता को सलाम, उन माँ को सलाम जिन्होंने डॉक्टर कुरील जैसे पुत्र को हमारे देश को सौंपा। डॉक्टर कुरील, आपने बहुत सारे एक्सेलेंसी अवार्ड्स जीते हैं, आपने खूब सारा शोध किया है, पीडियाट्री का क्या भविष्य देखते हैं देश में, आपने काफ़ी काम भी किया है, क्या कुछ करना बाकी है? पीडियाट्रिक सर्जरी जी, देखिए पीडियाट्रिक सर्जरी में मैं आपको ये बता दूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात लीजिए, उत्तर प्रदेश की अगर पॉपुलेशन 25 करोड़ मान लीजिए और उसमें बच्चों की संख्या 10 करोड़ रख लीजिए, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मार्च ऑफ टाइम्स जो कि बर्थ डिफेक्ट रिकॉर्ड करती है, तो उसके हिसाब से जो बर्थ डिफेक्ट हैं जिसके ऊपर सारी की सारी पीडियाट्रिक सर्जरी आधारित है, 2% होती है, यदि 100 बच्चे पैदा होते तो 2 लोगों को पीडियाट्रिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है। उस हिसाब से 10 करोड़ की पॉपुलेशन में उसका 2% हो गया करीब 20 लाख। तो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में 20 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमेशा किसी न किसी पीडियाट्रिक सर्जन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए पीडियाट्रिक सर्जन बहुत ही अहम रोल रखता है, अगर समाज को स्वस्थ बनाना है, भारत को स्वस्थ बनाना है, तो अगर स्वस्थ भारत मिशन बिना पीडियाट्रिक सर्जन के पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल, इन्होंने ठीक कहा कि अभी पेडियाट्रिक सर्जरी में बहुत सारा विकास करना बाकी है, बहुत तरक्की करना बाकी है, क्योंकि हमारे देश में संभावनाएं भी बहुत हैं और केसेस भी, मामले भी बहुत लगातार आते हैं। उस लिहाज से अगर हम तुलना करें तो डॉक्टर्स की उपलब्धता और उपस्थिति कम है जितने केसेस और मामलात हमारे यहाँ हैं।
डॉक्टर साहब से बातचीत करते हुए एक चीज़ मैं दर्शकों आपको साझा कर दूं कि मैं जब इनसे मिलने आई, ये ऑफ द बीट रिकॉर्ड है, तो मैं तभी देख रही थी कि ये लगातार स्टडी में व्यस्त थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप एक बड़े पोजीशन पे होते हैं, बड़े पद पे होते हैं, फिर भी आप मेहनत से नहीं पीछे भागते हैं। ये हमारे लिए और आप सभी के लिए एक संदेश है कि चाहे हम जहाँ भी हों, हम सीखना ना छोड़ें, हम लगातार पढ़ते रहें और पढ़ाते भी। डॉक्टर साहब, आपका साहित्य से भी कुछ जुड़ाव है, तो कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं क्या कुछ कैसा जुड़ाव है, कैसे जुड़ना हुआ? में बेसिकली क्या है कि हिंदी लिटरेचर में जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, वो वास्तविकता के बिल्कुल नज़दीक होती है, वो पढ़ने का मुझे ग्रामीण क्षेत्र से। और रिलीजन में जो बी आर अम्बेडकर की लिखी हुई किताबें हैं, बुद्ध के नाम, ये मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा है। और जो सोशल रिवोल्यूशन की किताबें हैं, वो इतनी किताबों का ढेर है घर में, अलग कमरा है किताबों का। तो खाली टाइम पे मैं कुछ ऐसे ही लिटरेचर, अपना समय इस तरह के लिटरेचर पढ़ने में गुजारता हूँ। प्लस ये रहता है कि देखिए, हमने 15 अगस्त 1947 में आज़ादी ले ली और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी मिल गया, लेकिन जो एम हमारा है स्वतंत्रता का, अभी हम उससे पीछे। और हम चाहते हैं कि हमारे ही जीवन काल में स्वतंत्रता का एम पूरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि हर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को उत्तम क्वालिटी की शिक्षा, उत्तम क्वालिटी का स्वास्थ्य और रोजगार मिले। बिल्कुल, अंतिम छोर पर। तो मैं इसी की तलाश में लिटरेचर पढ़ता हूँ। क्या बात है। कहते हैं कि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जो बहुत ही नीरस माना जाता है, और चिकित्सक का साहित्य से लगाव ये बड़ा अलहदा है थोड़ा, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप साहित्य से भी आपका जुड़ाव है। आप कुछ एक पंक्तियाँ अगर आप गुनगुनाना चाहें, अगर याद हो किसी की उक्ति या किसी की। कि मैं कुछ शेर ऐसे हैं जो मैं आपको सुना देता हूँ कि रूह को चमका, खुदी को तोड़ कर जीने में, जीने यानी स्टेयर्स, रूह को चमका, खुदी को तोड़ कर जीने बना, ये दो ही तदबीरें हैं दुनिया में उभरने के लिए। क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। डॉक्टर साहब बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके पिताजी भी और मेरे ख्याल से आप भी डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते रहे हैं, उनका अनुसरण करते रहे हैं, अच्छी बात है। डॉक्टर अम्बेडकर भी यही कहते थे कि हमें शिक्षा हमारी ताकत है, और हम उस ताकत को आगे बना के बढ़ें तो शायद हर सफलता हमारे कदम चूमेगी। डॉक्टर साहब, पेडियाट्रिक की बात हम कर रहे हैं, चूँकि मैं थोड़ा सा मोड़ूंगी उस तरफ, आपको जाना भी है और आपका वक्त बहुत कीमती है, तो पेडियाट्रिक के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत कुछ किया जाना है। जैसे आपने कहा अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या कुछ समस्याएं हैं जो मूल तौर पे आपके समक्ष आती रही हैं, जो कि आपका इतने जो चिकित्सीय पेशे में आज तक आपने किस तरह के केसेस हैंडल किए हैं, जो बहुत क्रिटिकल हो या बहुत कॉमन केसेस जो अक्सर आते हैं, और उनका निदान क्या है, कैसे? देखिए, ऐसा है कि मुझे जो नेशनल अवार्ड पद्म श्री वो इसलिए मिला क्योंकि हमने एक ऐसी बीमारी का नया ऑपरेशन खोज के हल निकाला जो पहले आम तौर पे सारी दुनिया में ला इलाज मानी जाती थी। और कई बार होता है कि ऐसे बीमारी हो गई तो या तो बच्चा जल्दी ही निकल गया, भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि बच्चे अदरवाइज स्वस्थ रहते हैं और वो ग्रो कर जाते हैं 10-10 साल 15 साल 20 साल, और उनके उनसे पेशाब टपकता रहता, दुर्गंध आती रहती है, एंड देयर सोशल बायकॉट। तो अगर जो पाश्चात्य किताबें हैं जो यहाँ पे लगी हुई हैं इनका आप अनुसरण करते हुए इलाज करते थे तो आपको नतीजे हासिल नहीं होते थे। तो हमने यहाँ 1990 में ज्वाइन करने के बाद ये जब देखा तो 95 से मैंने अपना सोच, अपनी रिसर्च शुरू की, और उसमें हमारा साथ हमारी श्रीमती जी ने भी दिया, क्योंकि इस समय वर्तमान में की मेरी की हेड है डॉक्टर एस पी जायसवाल। और 99 में मैंने हल उसका खोज निकाला। तो अब क्या है कि अब हमारी उस टेक्निक से ऑपरेशन करने से सारे बच्चे करीब करीब सब ठीक हो गए। तो इसी बात को लेके मोदी जी ने
उसका उन्होंने पता लगाया और यहाँ नहीं फिलाडेल्फिया तक इंक्वायरी की उन्होंने क्या, और उसके बाद जो है हमको कहीं नहीं जाना पड़ा, एक नॉमिनेशन हो गया और मुझे 2016 में नेशनल अवार्ड मिल गया। वाह, डॉक्टर साहब के बारे में बताते चलूँ कि इन्हें इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, बहुत ख्याति प्राप्त हैं, लब्ध प्रतिष्ठित हैं। डॉक्टर साहब कभी गर्व या दम्भ या अभिमान आया, आप इतने सारे अवार्ड लेते रहे हैं और सम्मान मिलता रहे? हाँ, लेकिन आना नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं अपने आप को रोज़ देखता हूँ शीशे में, और ये अच्छी तरह पता है कि जैसे ही आदमी में अभिमान आ जाता है वहीं उसके पतन की शुरुआत, वो अपनी जड़ों से कट जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए आपने आने नहीं दिया। आने बहुत अच्छी बात, हम उम्मीद करते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे ही बने रहें, आम जनजीवन और आम लोगों के साथ जुड़े रहें, जिस जो कि इस पेशे की दरकार भी है कि हम सेवा भाव से इस पेशे से जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब से एक बहुत ही माकूल सवाल ये है कि चूँकि आप किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, लंबी मेरे ख्याल से कई वर्ष हो चुके हैं। मैं 65 का हो गया लगते नहीं हैं सर ने इतनी फिटनेस मेंटेन रखी है। और सवाल ये कि चूँकि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे हैं, सेवाएं भी दे रहे हैं, अनुभव भी बहुत व्यापक है, इससे हट के आम जन से जो सरोकार है उनसे जुड़ने का और उन तक अपनी सेवाएं मुफ्त में पहुंचाने का, या उन तक कुछ ऐसी सेवाएं जो निशुल्क हो गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, कुछ कर रहे हैं ऐसा? देखिए, ऐसा है कि कई बार ये भी होता है कि लोग सुदूर वहाँ कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मुझे मलिहाबाद से लगा हुआ एरिया है, माल मलिहाबाद के पास ही है, वहाँ उन्होंने कैंप लगाया, तो मैं देख के हैरान रह गया कि वहाँ पे इतने गरीब लोग आ जाते हैं, उनके पास पैसा तक नहीं होता मेडिकल कॉलेज आने का। और इसी तरह जो संडीला है, एक जगह है हरदोई के बीच में, वहाँ जब तो जहाँ भी कहीं कोई अच्छा, एक और कैंप ये इन्होंने लगाया था, ये जो सेवा भारती तो वहाँ पे मैंने अपनी सेवाएं दी। तो जब भी कोई बसाते उस दिन संडे हो, छुट्टी हो, हमारे लिए हॉस्पिटल ड्यूटी ना हो, तो अगर कोई कैंप लगाता है तो मैं अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल खर्च करके जाता हूँ और वहाँ मैं अपनी सेवाएं शुल्क सेवाएं देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में कैंसर पीड़ित बच्चे आते हैं और उनके पास दवाइयों तक खरीदने के पैसे नहीं होते। सिस्टम ऐसा है कि जैसे ऐसा नहीं है कि अब जैसे आज हमने इंडेंट भरा और दवाई आने में 6 सप्ताह 3 सप्ताह का समय लगता है, इतने टाइम पे कैंसर बढ़ के और आगे पहुंच जाए। बिल्कुल, तो कई बार हमने अपने वेतन के पैसे से दवाई मंगा के दिए, खर्च कर दिया है, तो ये सब करने में मुझे अच्छा लगता है। इससे आप जुड़े रहते हैं जन सरोकार का जो एक भाव है, जब बच्चा ठीक हो जाता है दुआएं मिलती हैं, अच्छा लगता है कि हाँ भाई कुछ तो बने क्या। और हमारी एक इच्छा ये है कि हम सिस्टम ऐसे सुधारें कि किसी को ये अलग से आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली उनको टाइम पे सही इलाज मिल जाए, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, समाज के अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यही सपना था कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुँचनी जाए। बिल्कुल, इसी प्रयास के साथ डॉक्टर कुरील लगे हैं लगातार कई दशकों से, और मुझे हैरानी होती है जब इन्होंने बताया, अभी एक बहुत बड़ा रहस्य बताया कि ये 65 के हो चुके हैं और इतने तंदुरुस्त, इतने फिट हैं कि यकीन नहीं होता कि शायद ये 65 के हैं। ये हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत है और दर्शकों आपके लिए भी, कि हम भी फिट रहें, स्वस्थ रहें और कुछ वक्त जो है अपने सेहत पे और वर्जिश पे जरूर दें। मुझे लगता है सकारात्मक सोच भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डॉक्टर साहब ने बताया, बहरहाल डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से ये समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, लगातार अभी भी सेवाएं कर रहे हैं, निर्धनों तक अपनी सेवा पहुंचा रहे हैं, लगातार मुफ्त कैंपों में निःशुल्क सेवाएँ दे रहे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर कैंप भी आयोजित करवाते हैं। डॉक्टर साहब, राष्ट्र के नाम क्या संदेश है, कुछ देश के नाम संदेश, कुछ ऐसी चीज़ जो कहना चाहिए? राष्ट्र के नाम संदेश से किस, मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसमें फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज बताई, उसमें आपके फंडामेंटल राइट तो सिर्फ 5 हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं। अगर इस देश का प्रत्येक नागरिक अपनी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटी को रिलीजियसली करे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में हम नंबर 1 स्थान पर होंगे। बिल्कुल,
बिल्कुल, ये डॉक्टर कुरील बता रहे थे कि राष्ट्र के नाम इन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा संदेश प्रेषित किया है, और चलते चलते एक सवाल और लेंगे और फिर इनको जल्दी ही अवकाश देंगे क्योंकि इनको जाना भी है। युवाओं के नाम क्या संदेश है? आज देश बदल रहा है, युवा बदल रही है, नई पीढ़ी आ रही है। देखिए, युवा जो है अगर वो बहुत जल्दी वो बहुत जल्दी गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये एक थोड़ा चिंता का विषय है। और युवाओं के नाम संदेश यही है कि आप अपने प्रत्येक कार्य में ये सोचिए कि आपके इस कार्य से आपका देश आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है, या पीछे जा रहा है। और अगर देश आगे नहीं जा रहा है तो मेरे ख्याल से वो कार्य आपको नहीं करना चाहिए। युवाओं के नाम यही संदेश। बिल्कुल, बहुत सुंदर संदेश के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सेवा परमो धर्म, इस उद्देश्य के साथ डॉक्टर कुरील लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कई दशकों से निस्वार्थ भाव से देश को अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, अर्थात सेवा समर्पित कर रहे हैं, जन सरोकार से वास्ता रख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, निर्धनों की सेवा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी भविष्य में ये इसी तरह अपनी सेवाएँ देते रहें, लोगों से जुड़ते रहें, लोगों का स्नेह सम्मान और प्यार पाते रहें और अपने सपनों को अनंत उड़ान देते रहें। डॉक्टर साहब को फारिग करेंगे। इससे पहले हमारा दो क्वेश्चंस राउंड होता है जिसमें आपको वन वर्ड में आंसर्स देने होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन फायर राउंड। और इसके बाद हम आपको फ्री कर देंगे। तो आर यू रेडी फॉर दैट? आपकी प्रिय पुस्तक? प्रिय पुस्तक बुद्ध एंड धम्म। ओके, आपके प्रिय दोस्त मित्र का नाम? मित्र का नाम तो दोस्त बहुत प्रिय हो, जो आपका बहुत प्रिय हो, कोई प्रिय वाइफ। ओके, प्रिय पर्यटन स्थल? प्रिय पर्यटन टूरिस्ट प्लेस नैनीताल। आपके गुरु? हमारे गुरु तो हम उनको ऑल इंस्टीट्यूट से जो रिटायर जो के दो लोग, डॉक्टर डी के मित्रा नेम्स और प्रोफेसर आर पी साही इनके जॉब। आपके प्रेरणा स्रोत? बी आर अंबेडकर। आपके प्रिय कवि? या प्रिय लेखक? प्रिय लेखक तो बी आर अंबेडकर का लिटरेचर में पढ़ता हूँ। जी जी जी। प्रिय सूक्ति वाक्य, कोई ऐसा वाक्य जो आपका तकिया कलाम हो, आप कोई ऐसा वाक्य है जिसे आप मानते हो प्रिय वाक्य, जिसे आप कहना पसंद करते हो, योर स्टेटमेंट, योर मैसेज, एनीथिंग विच वन लाइनर कोट। हाँ, वन लाइनर है कि उठो जागो चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये विवेकानंद साहब का है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संदेश। प्रिय रंग? जी, प्रिय रंग सफेद। प्रिय व्यंजन? जी व्यंजन। प्रिय डिश, फेवरेट डिश? फेवरेट डिश हमारी खीर। प्रिय मूवी, प्रिय फिल्म? मूवी कोई एक नहीं, लेकिन फिल्म डायरेक्टेड बाय गोविंद निहलानी। The name? वो मैं देखना पसंद करता हूँ। अच्छा, you like the director. One dream that you want to complete or fulfill, accomplish? Yeah. Any dream, any one dream that you want to accomplish? कोई एक स्वप्न जो इस देश के लिए आप देखना चाहें और साकार करना चाहें? वो मेरा तो ड्रीम ये है कि पूरे मतलब कि समाज के अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधा उपलब्ध। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये थे डॉक्टर कुरील और हमने बहुत सारी बातचीत की, बेशक थोड़े समय के लिए, लेकिन बहुत सारगर्भित बातचीत रही। इन्होंने कम समय में बहुत सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और बहुत तटस्थता के साथ इन्होंने मुस्कुराते हुए और बिल्कुल बेझिझक जवाब दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुरील जैसे योद्धा, डॉक्टर कुरील जैसे वीर इस देश में और पैदा होते रहें और हम ऐसे ही सेवा भाव के साथ ऐसे जन सरोकार से जुड़े हुए डॉक्टरों से मिलते रहें और उनको आप तक पहुँचाते रहें। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, आपने समय दिया और हमें दर्शकों तक अपना प्यार पहुंचाया। थैंक यू।